Hello everyone, welcome to my YouTube channel Viraj IAS. My name is Himanshi Raj. In this video, I am going to talk about the UNESCO World Heritage Sites in India. This series of Static GK will be helpful for all competitive exams. So in this video, you will get complete information about all the sites. और ये वीडियो सीरीज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली हम यूनेस्को के बारे में बात करते हैं कि यूनेस्को है क्या. यूनेस्को जो है वो हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की. इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और ये 4 नवंबर 1946 को फॉर्म्ड हुई थी. इसके फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यूनेस्को हैज 193 मेंबर स्टेट्स एंड 11 एसोसिएट मेंबर्स. और इसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 5 मेजर प्रोग्राम्स के थ्रू लिए जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल ह्यूमन साइंस, कल्चरल एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन. और यूनेस्को का जो एम है वो है टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द बिल्डिंग ऑफ पीस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरकल्चरल डायलॉग थ्रू एजुकेशन, साइंसेज, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन. अब हम जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती क्या है. जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी वो एक नेचुरल और मैनमेड एरिया होता है और या फिर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखता है और जिसकी प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है. 1982 में द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स अनाउंस्ड 18 अप्रैल एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे. और 1983 में इसे जनरल असेंबली ऑफ यूनेस्को के द्वारा इसे अप्रूव कर दिया गया था. अब हम जानेंगे हमारी टोटल 36 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. बट उससे पहले हम जानते हैं कि अब हमारे पास इंडिया को एक और साइट मिल चुकी है. तो अब हमारे पास टोटल 37 साइट्स हो गई हैं. जो 37th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की वो है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एनसेम्बल ऑफ मुंबई. ये मुंबई में है और इसका डिसीजन जो है 42nd सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा लिया गया था मैनामा बहरेन में. और ये जो हमारी साइट है ये फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दैट फ्लॉन्ट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 19th सेंचुरी विक्टोरियन गोथिक स्ट्रक्चर्स एंड 20th सेंचुरी आर्ट डेको बिल्डिंग्स. सो इंडिया के पास अब टोटल 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं विद कल्चरल 29 साइट, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड साइट. तो अब हम 36 साइट्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं. पहली साइट है हमारी ताजमहल आगरा में. ये हमारी वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है और ये वाइट मार्बल से बनी हुई है. ताजमहल जो है वो एम्परर शाहजहां ने बनवाया था इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल. और ये जो ताजमहल है ये बेस्ट एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का और इसे हम ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट भी कहते हैं. सेकेंड है हमारी खजुराहो मध्य प्रदेश. ये हमारे मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है और ये जो साइट है हमारी वो किस लिए फेमस है, बिकॉज ये है ग्रुप ऑफ हिंदू एंड जैन टेम्पल्स जो कि हमारे 175 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ झांसी में सिचुएटेड है. और ये जो हमारे खजुराहो कॉम्प्लेक्स है ये हमारा नगरा स्टाइल को रिप्रेजेंट करता है और इरोटिक फिगर्स एंड स्कल्पचर्स को. और ये जो मॉन्यूमेंट्स है ये हमारे बिल्ट हुए थे 950 to 1050 CE में अंडर द रीन ऑफ चंडेला डायनेस्टी. और यहाँ पर टोटल 85 टेम्पल्स हैं जो कि 20 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है. कंदरिया टेम्पल जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट माना जाता है खजुराहो कॉम्प्लेक्स का. नेक्स्ट है हमारा हम्पी कर्नाटका. ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में सिचुएटेड है और ये विजयनगर किंगडम के अंडर में बना था. और ये जो हमारी साइट है ये फाइन ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर को डिपिक्ट करती है. नेक्स्ट साइट के बारे में बात करते हैं. नेक्स्ट साइट है हमारी अजंता केव्स. ये हमारी महाराष्ट्र में है, वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया. और ये हमारी 2nd सेंचुरी BCE to 650 CE में बनी थी. और ये हमारा ये क्या कंसिस्ट करती है, ये फाइनेस्ट मास्टरपीस ऑफ 31 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स को कंसिस्ट करती है. और ये जो हमारी अजंता केव्स है ये हमारी टू डिफरेंट फेजेस में बनी थी. फर्स्ट फेज था हमारा सतवाना पीरियड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सतवाना डायनेस्टी और सेकंड फेज था हमारा केव्स ऑफ वाकाटका पीरियड अंडर द रीन ऑफ एम्परर अरिसेना ऑफ वाकाटका डायनेस्टी. नेक्स्ट है हमारी एलोरा केव्स महाराष्ट्र. एलोरा केव्स आर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया और ये हमारा
29 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट सिटी ऑफ औरंगाबाद में सिचुएटेड है। और जो एलोरा केव्स है आर वेल नोन फॉर द इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। देर आर अबाउट 34 रॉक कट टेम्पल एंड केव विच कैन बी डेटेड टू अबाउट 600 टू 1000 एडी आर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस टाइम। और जो एक्सकवेटिव साइट है वो हमारी कौन कौन सी है, यहाँ पर चरण नंदरी हिल्स, बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन रॉक कट टेम्पल, बिहारास एंड मठ ऑफ 5th and 10th century। नेक्स्ट साइट है हमारी बोधगया, ये हमारी बिहार में, ये 96 किलोमीटर अवे है पटना से। इट इज इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट एज दिस वॉज द प्लेस वेयर महात्मा बुद्ध अटेन एनलाइटनमेंट। जो बोधि ट्री है हमारा वो भी हमारा यहीं पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट साइट है हमारी सन टेम्पल कोणार, ये हमारी उड़ीसा में है और इट वॉज बिल्ड बाय नरसिम्हा देवा वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। द सन टेम्पल इज इन द शेप ऑफ जाइजेंटिक चैरियट विद कार्व्ड स्टोन व्हील पिलर्स एंड वॉल्स एंड इज लेड बाय 6 इनॉमिनस कार्व्ड हॉर्सेस। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्राह्मण सेंचुरीज इन इंडिया। नेक्स्ट साइट है हमारी रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, ये दिल्ली में ही सिचुएटेड है और ये किसके द्वारा बनवाई गई थी, ये एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी जब उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी आगरा से दिल्ली। और उस टाइम पे इसको क्या किस नाम से जाना जाता था, शाहजहांबाद। नेक्स्ट साइट है हमारी सांची मध्य प्रदेश, द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन सांची 46 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश। अपार्ट फ्रॉम द सांची स्तूपा यहाँ पर हमारे अदर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं जैसे कि मोनोलिथिक पिलर्स, टेंपल्स, पैलेसेस एंड मोनास्ट्रीज। नेक्स्ट साइट है हमारी चोला टेम्पल तमिलनाडु, दीज टेम्पल्स वर बिल्ड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला एम्पायर। द ब्रिजेस वर अ टेम्पल, द टेम्पल एट द गगाइनकोंडा चोलापुरम एंड द एरावतेश्वरा टेम्पल आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दीज टेम्पल्स। नेक्स्ट साइट है हमारी काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारी आसाम में सिचुएटेड है और ये साइट हमारी वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए फेमस है। और इस साइट पे हमारे अबाउट 15 इंडेंजर्ड इंडियन फॉनल स्पीसीज है और जिसमें कि राइनो जो है वो मोस्ट इंडेंजर्ड है। अदर मेमल्स भी हमारे यहाँ पर हैं जैसे कि कैप लंगूर, वुलोक गिबन, टाइगर, लेपर्ड, स्लोथ बियर, गेंगिस डॉल्फिन, ऑटर, वाइल्ड बोर इटीसी। ग्रुप ऑफ नेक्स्ट साइट है हमारी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, ये हमारी तमिलनाडु में है, ये हमारे पल्लवा रूलर के अंडर में बनी थी। और इसका मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर जो है इस टेम्पल का वो है कि ये कार्व्ड आउट रॉक एंड इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रथ आर्किटेक्चर इन इंडिया। द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड 40 सेंचुरीज इंक्लूडिंग लार्जेस्ट ओपन एयर बेस्ड रिलीफ एग्जाम्पल गंगा स्टेशन। नेक्स्ट है हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क, ये हमारा वेस्ट बंगाल में है, ये हमारी साइट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स है। सुंदरबन नेशनल पार्क इज नोन फॉर टाइगर रिजर्व एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इट इज सिचुएटेड ऑन द सुंदरबन डेल्टा फॉर्म बाय द रिवर गंगेस इन द बे ऑफ बंगाल और ये हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया का। और ये मोस्टली कवर्ड है मैनग्रोव फॉरेस्ट से। नेक्स्ट साइट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी हुमायूं टॉम, ये हमारी न्यू दिल्ली में है। दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया वॉज बिल्ड बाय बेगम बेगा जो कि हमारी हुमायूं की फर्स्ट वाइफ थी, बिटवीन 1565 टू 1572 में बना था। इट इज द ओनली मॉन्यूमेंट विच हैज गॉन सेवरल रिस्टोरेशन वर्क एंड इज कम्प्लीट। इट इज अ टॉम कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल स्मॉलर मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग द टॉम्स ऑफ ईसा खान, नियाजी एंड अफगान नोबेल इन शेरशाह सूरीज फोर्ट ऑफ द सूरी डायनेस्टी। नेक्स्ट साइट है हमारी जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में, ये हमारी इट इज ऑल्सो एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विच वॉज बिल्ड बाय द राजपूत किंग सवे जय सिंह ऑफ राजस्थान, ये 1738 में बनी थी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टोन सुंडियाल, ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट आर मैन मेड। नेक्स्ट साइट है हमारी आगरा फोर्ट जो हमारे उत्तर प्रदेश में है और ये हमारी साइट जो है ये क्वाइट क्लोज है ताजमहल से। द आगरा फोर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर। दो बिल्ट इन द मुगल एरा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, द आगरा फोर्ट इज ए फ्यूजन ऑफ पर्शियन आर्ट ऑफ टिमुरिड एंड द इंडियन फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। मीन्स टू से ये हमारे जो आगरा फोर्ट है ये हमारा फ्यूजन है पर्शियन आर्ट का और इंडियन फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर का। द आगरा फोर्ट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ मॉन्यूमेंट्स लाइक खास महल, शीश महल, मोहम्मदपुरी, दीवान ए खास, दीवान ए एम, मोती मस्जिद एंड नगीना मस्जिद।
नेक्स्ट साइट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी फतेहपुर सिटी, ये भी हमारी उत्तर प्रदेश में ही है। द नेम ऑफ द सिटी इट्स दैट डिनोट द विक्ट्री, फतेहपुर सिकरी, फतेह मीन विक्ट्री ऑफ अकबर ओवर द चित्तौड़ एंड रणथंभौर। फतेहपुर सिकरी कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फोर मेन मॉन्यूमेंट, दैट इज द जामा मस्जिद, द बुलंद दरवाजा विच इज द ग्रेटेस्ट डोर ऑफ एशिया मेड ऑफ अ स्पेसिफिक वुड इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया विच वुड सिंक इन वाटर, पंचमहल और जादाबाई का महल विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ओरिजिन प्लेस ऑफ द नवरत्न लाइक बीरबल, तानसेन एक्सेट्रा। इट ऑल्सो कंटेन द दीवानी खास एंड दीवानी आम। नेक्स्ट साइट है हमारी रानी की वाव फटन गुजरात। इट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014 ओइंग टू इट्स आर्किटेक्चर मार्वल एंड स्प्लेंडर। रानी की वाव इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्टेप कॉरिडोर्स, स्कल्पचर्स एंड स्टोन कार्विंग इन द वेल। नेक्स्ट साइट है हमारी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल कर्नाटका। पट्टाडकल जो है वो भी हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है। और ये किस लिए फेमस है, इट इज फेमस फॉर चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट ओरिजिनेट्स इन एहुल एंड ब्लेंडेड विद द नगरा एंड द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इट इंक्लूड्स 8 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड जैन एंड शैवाइट सेंचुरीज। नेक्स्ट साइट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट साइट है हमारी एलिफेंटा केव, ये हमारी महाराष्ट्र में लोकेटेड है और एलिफेंटा केव आर लोकेटेड ऑन एन आइलैंड इन द अरेबियन सिटी नॉट वेरी फार फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई। द चेन ऑफ स्कल्प्टेड केव लोकेटेड ऑन एलिफेंटा आइलैंड इज ऑल्सो नोन एज कारापुरी। नेक्स्ट है नालंदा महावीरा, दैट इज ऑल्सो नोन एज नालंदा यूनिवर्सिटी, ये हमारी बिहार में है। नालंदा आर्कियोलॉजिकल साइट जो है बिहार में वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री फ्रॉम 3rd century BCE टू 13th century CE। दिस इज द सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्नाइज बाय द यूनेस्को इन बिहार। नेक्स्ट साइट है हमारी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, फॉर्मरली विक्टोरियस टर्मिनस महाराष्ट्र। इट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे इन मुंबई, इट वॉज बिल्ड बाय फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। नेक्स्ट साइट है हमारी माउंटेन्स रेलवेज ऑफ इंडिया। जो हमारी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया है वो किस किस को कंप्राइजेस करते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन्स रेलवे एंड द कालका शिमला रेलवे एंड आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। नेक्स्ट साइट है हमारी कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, ये हमारी न्यू दिल्ली में है और ये हमारी मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की। कुतुब मीनार जो है 1193 में बनवाई गई थी मुस्लिम रूलर के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक ऑफ द मालमुक डायनेस्टी वैनी आफ्टर डिफीट ऑफ दिल्ली's लास्ट हिंदू किंगडम। इट इज 70 जो कुतुब मीनार है हमारी 73 मीटर टॉल है और इसका डायमीटर 15 मीटर है एट द बेस एंड 2.5 मीटर है टॉप पर। इट वॉज बिल्ट बाई ऐबक टू ऑनर द फेमस सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी। नेक्स्ट साइट है हमारी चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये हमारे गुजरात में है। ये पंचमहल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहां पर सिचुएटेड है और ये हमारा जो है सेंटर्ड अराउंड द सिटी ऑफ चंपानेर और मोहम्मदाबाद बिल्डवाय सुल्तान महमूद बेगाड़ा ऑफ गुजरात। इट इंक्लूड्स 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेरिटेज मॉन्यूमेंट दैट आर मॉस्क्स, टेम्पल्स, टॉम्स, गेटवेज, फोर्ट्रेस एंड वॉल्स, पैलेसेस एंड पवेलियंस, हेलिकल वेल्स, कस्टम हाउस, जैनरिक ऑल बिलोंगिंग टू 16th century। सॉरी नेक्स्ट साइट है हमारी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है और ये हमारा 754.4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये हमारा जो लोकेटेड है कुल्लू रीजन ऑफ नॉर्दर्न हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। नेक्स्ट साइट है हमारी हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। ये जो साइट है हमारी वन ऑफ द रिसेंट एडिशन है टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, ये हमारी 2013 में ऐड की गई थी। दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स यूनिक राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्चर। इट इंक्लूड्स 6 मैजेस्टिक फोर्ट्स इन चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर फोर्ट, गागरन फोर्ट, अंबर फोर्ट एंड जैसलमेर फोर्ट। दे आर लोकेटेड ऑन द रॉकी अरावली माउंटेन रेंजेस इन राजस्थान। नेक्स्ट साइट है हमारी चर्चेज एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा। द 15th एंड 16th सेंचुरी मार्क द कमिंग ऑफ द पोर्टुगीज टू इंडिया एंड दे एस्टैब्लिश देमसेल्फ एट गोवा। 15th और 16th सेंचुरी में जब पोर्टुगीज हमारे इंडिया में आए थे, गोवा में सेटल हो गए थे कोंकण कोस्ट में जो हमारी सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है। ड्यू टू देयर सॉरी एंड द एडवेंट ऑफ द पोर्टुगीज मार्क द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड सेवरल चर्चेज एंड कन्वेंट्स वर बिल्ट इन गोवा एज अ वे ऑफ इवेंजलाइजेशन।
Due to their different yet beautiful architecture form, these churches have been included in the list of UNESCO World Heritage Sites in India. नेक्स्ट है हमारी रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये हमारी मध्य प्रदेश में है. डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003, द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज द प्लेस वेयर द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज डिस्कवर्ड. दे आर लोकेटेड एट द फुटहिल्स ऑफ द विंध्या माउंटेन्स इन द डेक्कन प्लेटो एंड आर आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर द मेसोलिथिक पीरियड. और ये जो हमारी पेंटिंग्स हैं, ये हमें अर्लियर लाइफ और उनकी एक्टिविटीज, जो हंटर गैदरर्स थे उनकी लाइफ, उनकी एक्टिविटीज के बारे में हमें बताती हैं. नेक्स्ट साइट है हमारी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारी आसाम में है. मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ रिजर्व है एंड वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की. इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ आसाम. द नेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिवर मानस विच इज ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ गॉडेस मानसा. नेक्स्ट है क्लोडियो नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान, ये इसको हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं. क्लोडियो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान और ये 366 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं यहाँ पर अवेलेबल. नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क उत्तराखंड. जो नंदा देवी है हमारी इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड एंड द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया ऑल्सो बिकॉज द कंचनजंगा इज नोन टू शेयर इट्स बॉर्डर विद नेपाल. और जो वैली ऑफ फ्लावर्स है इज अ नेशनल पार्क नियर नंदा देवी पीक विच इज स्ट्रेच अप टू 8 किलोमीटर्स इन लेंथ एंड 2 किलोमीटर इन ब्रेथ. इट इज फेमस फॉर द एस्टोनिशिंग वेराइटी ऑफ फ्लावर्स विच कवर्स द एंटायर वैली लाइक अ बेडशीट. नेक्स्ट साइट है हमारी वेस्टर्न घाट्स, ये हमारे वेस्टर्न घाट जो है इन्हें हम सह्याद्री माउंटेन रेंजेस के नाम से भी जानते हैं और ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला में है. द रेंज रन्स नॉर्थ टू साउथ अलोंग द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू. नेक्स्ट साइट है हमारी कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, लोकेटेड इन द हिमालयन रेंजेस पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ सिक्किम इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन. कंचनजंगा नेशनल पार्क हैज बीन डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016, टेकिंग द टोटल काउंट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया टू 35, ऑल्सो नोन एज कंचनजंगा नेशनल पार्क एंड कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इज अ ह्यूज एरिया स्प्रेडिंग ओवर 850 स्क्वायर किलोमीटर. नेक्स्ट साइट है हमारी कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़. कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ जो है द आर्किटेक्चुरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर अक्रॉस मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द कैपिटल कॉम्प्लेक्स ऑफ चंडीगढ़ वॉज रिकॉग्नाइज एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज अ पार्ट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू मॉडर्न मूवमेंट. द कैपिटल कॉम्प्लेक्स इन चंडीगढ़ ऑल्सो होस्ट द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर बोथ द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. और लास्ट साइट है हमारी द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू एंटर द लिस्ट. अहमदाबाद वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी ऑन July 8, 2017. द सिटी ऑफ अहमदाबाद हैज क्लोज टू 25 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अहमदाबाद इज अ वर्ल्ड सिटी ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर वेयर कम्युनिटीज फॉलोइंग हिंदू इस्लाम एंड जैनिज हैव कोएग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज. सो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी स्टैटिक जीके पार्ट प्रोवाइड करूँगी. थैंक यू.